हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजीट पे। दोस्तों आप में से कईयों ने मुझसे कमेंट करके पूछा MITB में वॉलपेपर को कैसे सेट करें, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस टीवी में आप दो तरीके से वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो है वॉलपेपर पैच वॉल के इंटरफेस के पीछे आपको जो वॉलपेपर दिखाई दे रहा है वो है। दूसरा जो है स्क्रीन सेवर, अगर आप अपने टीवी को 2 मिनट तक यूज नहीं करते हैं तो आपको एक इमेज दिखाई देने लगता है, वो हो गया स्क्रीन सेवर। यहाँ पर जो वॉलपेपर है पैच वॉल के पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें लिमिटेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर गैलरी में आना पड़ेगा। गैलरी में आने के बाद यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको 8 वॉलपेपर दिए जाते हैं और यही 8ों वॉलपेपर आप जो अपने पैच वॉल के पीछे वॉलपेपर में लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वॉलपेपर आप नहीं लगा सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था, फाइल एक्सप्लोरर में वॉलपेपर को ट्रांसफ़र किया था, वो गैलरी में शो ही नहीं होता है। और मैं अगर फाइल एक्सप्लोरर से वॉलपेपर को सेट करता हूँ होम स्क्रीन में तो वो जो है सेट नहीं होता है, ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है। पता नहीं शाओमी के टीवी में ये क्यों हो रहा है, हो सकता है अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। पर अभी फिलहाल के लिए जो है आप 8 ये वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने टीवी में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर मैं ये वॉलपेपर लेता हूँ तो यहाँ पर नीचे सेट वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट क्लिक करना है और ये जो है वॉलपेपर सेट हो जाएगा आपके पैच वॉल में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ये हो गया वॉलपेपर, दूसरा हो गया स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पर भी एक कॉन है, अगर आप टीवी में जो है सारे वॉलपेपर को कॉपी कर लेते हैं टीवी के इंटरनल मेमोरी में तो भी वॉलपेपर शो नहीं करता है, आपको अपने पेन ड्राइव को टीवी के साथ कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करके रखा हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इससे जो है अपने स्क्रीन सेवर में लगा सकता हूँ ये सारे इमेजेस को। इसके लिए क्या करना है, आपको रिमोट के 3 लाइन को जो है क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन आ जाता है सेट है स्क्रीन सेवर का, आपको जस्ट क्लिक कर देना और ये जो है स्क्रीन सेवर में लग जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आपका टीवी जब तक ऑफ नहीं होता है तब तक आप टीवी में पेन ड्राइव को लगे हुए रहने दीजिएगा। अगर आप टीवी से पेन ड्राइव को निकाल लेते हैं, आपका टीवी ऑन है, तो यहाँ पर स्क्रीन सेवर जो आपका शो नहीं करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक कॉज है, आपको पेन ड्राइव को लगे हुए रहना चाहिए। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपके घर में कोई पुराना 1 GB का मेमोरी कार्ड या 2 GB का मेमोरी कार्ड है जिसे आप यूज नहीं करते हैं तो आप एक 20-25 रुपए वाला कार्ड रीडर बाय कर लीजिए, उसमें मेमोरी कार्ड को लगाइए और वहां पर इमेजेस कॉपी कर लीजिए और टीवी में इंसर्ट करके छोड़ दीजिए, तब आपको बार बार निकालना या फिर लगाना नहीं पड़ेगा अपने पेन ड्राइव को। यहाँ पर जो है एक ही बार में आपका कार्ड रीडर लगा हुआ रह जाएगा और आपका स्क्रीन सेवर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो टीवी में वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप MITB में वॉलपेपर को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस टीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल्स के साथ।